हमीरपुर जिला एथलेटिक्स संघ की वार्षिक प्रतियोगिता 11 व 12 मई को सिंथेटिक खेल मैदान अणु में आयोजित की जाएगी। संघ की बैठक के उपरांत जिलाध्यक्ष पंकज भारती ने बताया कि इस बार ये प्रतियोगिता 2 दिन में आयोजित की जाएगी। ग्यारह मई को अंडर 10, अंडर 12 व अंडर 14 समूह में बालक व बालिकाओं दोनों के लिए ये प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। 12 मई को अंडर 16, अंडर 18, अंडर 20 व पुरुष व महिला वर्ग की प्रतियोगिता रहेगी। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता के आधार पर जून माह में होने वाली प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता व नॉर्थ जोन प्रतियोगिता के लिए भी खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। प्रतियोगिता में पंजीकरण करवाने की अंतिम तिथि 7 मई तय की गई है। इसके बाद किसी खिलाड़ी का पंजीकरण नहीं किया जाएगा। कोई भी खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में नंगे पांव नहीं दौड़ेगा। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में खिलाड़ी 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, 60 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 600 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर, 2000 मीटर, 3000 मीटर, 5000 मीटर, लंबी कूद, गोला फेंक, 4x100 मीटर रिले रेस में भाग लेंगी। खिलाड़ी अपने साथ अपनी आयु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की कॉपी लेकर आएंगे। उन्होंने बताया कि पंजीकरण के संदर्भ में अधिक जानकारी के लिए खिलाड़ी क्लब या फिर स्कूल महासचिव संदीप डडवाल फोन नंबर 9418057867 या फिर संगठन सचिव विजय राणा से फोन नंबर 9418060134 पर संपर्क कर सकते हैं। बैठक में परशुराम अवार्डी सुश्री पुष्पा ठाकुर, उपाध्यक्ष विजय अतुल, सुरेश ठाकुर, महासचिव संदीप डडवाल, संगठन सचिव विजय राणा, कोषाध्यक्ष रजनीश शर्मा, सचिव अनिल शर्मा, करण डोगरा, कुलदीप ठाकुर, संदीप शर्मा, करण डोगरा, सूरज ठाकुर उपस्थित रहे। हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से 12 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। 22 से 29 अप्रैल तक चली नामांकन प्रक्रिया में कुल 13 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरा था, जिसमें से स्वाभिमान पार्टी के उम्मीदवार राजेश कुमार का नामांकन पत्र रद्द हुआ है। जिला उपायुक्त एवं निर्वाचन अधिकारी डॉ. ऋचा वर्मा ने बताया कि आज छंटनी के दौरान नामांकन पत्र में खामियों के चलते एक उम्मीदवार का नामांकन पत्र रद्द किया गया है, जबकि 12 उम्मीदवार अभी चुनाव मैदान में हैं। जिला उपायुक्त एवं निर्वाचन अधिकारी डॉ. ऋचा वर्मा ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई है और चुनाव नामांकन प्रक्रिया के दौरान सभी राजनीतिक दलों के साथ अन्य आजाद उम्मीदवारों ने भी नियमों के अनुसार नामांकन दर्ज करवाए हैं। उन्होंने बताया कि आज 30 अप्रैल को छंटनी के दौरान एक उम्मीदवार का नामांकन रद्द हुआ है। क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के गृह जिला का मुख्य अस्पताल है, मगर विडंबना ये है कि लंबे अरसे से जिला बिलासपुर की जनता को डॉक्टरों के अभाव के चलते बहुत परेशानियां उठानी पड़ रही है, जबकि वर्तमान समय में प्रदेश में भाजपा की प्रदेश सरकार सत्तासीन है, लेकिन डॉक्टरों की कमी को दूर नहीं करना आम जनता की नजरों में रास नहीं आना स्वाभाविक है। अगर क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर की बात की जाए तो जो इस अस्पताल में डॉक्टरों के पद करीब 70 वर्ष पूर्व 25 पद स्वीकृत हुए थे, जिनमें से भी मात्र करीब 20 ही डॉक्टर उपलब्ध हैं, जिनमें से कुछ निजी कारणों से अवकाश पर हैं। इतना लंबा अरसा बीत जाने के उपरांत भी जनसंख्या के हिसाब से नए पद
स्वीकृत नहीं होना जिला बिलासपुर की जनता के लिए किसी बड़े दुर्भाग्य से कम नहीं है। इस अस्पताल में जिला बिलासपुर की जनता के अलावा समीपवर्ती जिलों की जनता भी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने आती है। जब डॉक्टरों को किसी विभागीय बैठक में या अपने निजी काम से अवकाश पर जाना पड़े तो ओपीडी में ताला लग जाता है, जबकि लोग दूर दूर से अपना उपचार करवाने पहुंच जाते हैं। एक एक डॉक्टर को 100 से 150 मरीजों का चेकअप करना आम बात है, जबकि नियमानुसार एक डॉक्टर को एक दिन में 30 से 40 मरीज अटेंड करने होते हैं। जिला बिलासपुर की जनता का सरकार से आग्रह है कि शीघ्र जनहित में डॉक्टरों के पद जनसंख्या के हिसाब से सृजित किए जाएं। ज्वालामुखी पहुंचने पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का बीजेपी के कार्यक्रम भडोली कुटियारा में स्थानीय विधायक रमेश धवाला एवं सैकड़ भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं के साथ स्वागत किया। इस अवसर पर कांग्रेस के पूर्व विधायक सुरेंद्र काकू अपने 3 दर्जन कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में शामिल हुए। इस अवसर पर ज्वालामुखी के स्थानीय विधायक रमेश धवाला ने कहा कि हम बीजेपी में ओबीसी के 3 MLA, कांग्रेस पार्टी में 1 है। इस बलती हुई आग में मत बढ़े, तू खज्जड़ हो ही जाना, तेरा जो लोगों बीच बैठ बनी है वह सब खत्म हो जानी। लोकसभा में चुनकर पंडित ठाकुर अब चौधरी भी चुनकर लोकसभा में गए हुए हैं। इस बार गद्दी समुदाय से किशन कपूर को जीत पर लोकसभा में भेजेंगे।